स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक कर्ल्स कैसे करते हैं और कितने टाइप्स के कर्ल्स होते हैं ये अलग अलग वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आज एक आपको रिंगलेट कर्ल्स जो होते हैं रिंग वाले, तो वो सिखाऊंगा मैं आपको। तो बालों को सबसे पहले तैयार कर लेना है, रेडी कर लेना है। सबसे पहले इसमें ब्लो ड्रायर किया मैंने और प्रिंटिंग किया, ठीक है। तो उसके बाद कर्ल्स कैसे करना है, और हम ज़्यादा नहीं एंड में इतने इतने कर्ल्स करेंगे रिंग वाले। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शनिंग देखेंगे, जिसमें कि मैंने दोनों साइड से ए टू ए और दूसरी साइड से भी सेम ए टू ए मैंने छोड़ा, ठीक है। बाकी ये बाल छोड़ रखे हैं पीछे के, तो देख लो मैंने कौन सा सेक्शन दिया, ठीक है। और इतना ही सेक्शन लेना, इतना ही थिक सेक्शन लेना। अगर रियल लेवल पे कर रहे हो तो थोड़ा मोटा ले सकते हो, लेकिन जब हम कमी पर करेंगे तो इतना ही लेना, क्योंकि ये सिंथेटिक हेयर होते हैं। तो सबसे पहले क्लिप के इससे करेंगे, क्लिप को इसके अंदर फंसाना है और इसको राउंड कर देना, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नीचे लाएंगे और फिर एक बार फिर क्लिप को कट कट करके नीचे लाना। एंड क्लिप के अंदर इसको होल्ड करेंगे और वेट करेंगे इसके हीट होने का। हीट आपको टच करते करते देख लेना, ज़्यादा हीट भी नहीं देना। हमारे रिंग वाली कर्ल्स देख सकते हैं, इनको ठंडा करके छोड़ना हमेशा, कभी भी ध्यान रखना, ताकि लॉन्ग लास्टिंग रहे कर्ल्स आपके। सेम सेक्शन लिया मैंने दूसरी साइड से, अब इनको भी नीट कर लिया मैंने और इसको ऑपोजिट साइड हमने ऐसे किया था, इसको ऑपोजिट साइड टप टप करके नीचे लाना। एक बार और ट्विस्ट और इन एंड को इसके अंदर रखना, क्लिप पे इसको होल्ड करेंगे। अगर ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रखना है तो इसको ऐसे ही निकाल के और इस पर हम सेक्शन क्लिप भी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, और जब ठंडा हो जाएगा पूरा तब हम इसे छोड़ेंगे। तब तक हम दूसरा सेक्शन कर लेते हैं। सेम सेक्शन लिया है मैंने, इनको अच्छे से लॉक करना ताकि ये डिस्टर्ब ना करे आपको काम करते टाइम। अब इसको भी हम नीट कर लेंगे, ये नीट कर लिया। इसको भी सेम जो ये वाला सेक्शन किया था वैसे ही करना, क्लोज बुक सेक्शन कहते हैं, क्लोज बुक, उनको हम क्लोज बुक सेक्शन कहते हैं। जैसे बुक क्लोज हो गया एक इस साइड एक इस साइड, वैसे इनको भी होल्ड कर देंगे। अब मैं फर्क दिखाता हूँ आपको इसमें और इसमें। इसको हमने खोला है ठंडा होने के बाद, अब देखिए ये और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। ये देखिए इसमें थोड़ा वेव आ रहा है और इसमें बिल्कुल हिंगलेट हो गया, ठीक है। तो इसको भी हम ठंडा करके खोलेंगे। अब मैं वीडियो को फास्ट कर देता हूँ ताकि इसमें ज़्यादा टाइम ना लगे और वीडियो लंबी ना हो। तो ये
हमारा सबसे पहला जो सेक्शन है ये हमने कर रखा है पहले, तो हम इसको खोलेंगे और खोलना वैसे भी ज़्यादा ये मैस ना हो। और ये देखो इसको हम सिरम से ओपन भी कर सकते हैं बाद में, ठीक है। अंदर गल सारे, तो ऐसे ही हम सारे सेक्शन करेंगे। और इतना थिक सेक्शन दिया देखो, ये ध्यान रखना ये एंड्स ना एक क्लिप के अंदर रहने चाहिए। इसी में अगले सेक्शन में आपको मैं ये भी बता दूंगा कि बिना क्लिप को यूज किए जल्दी अगर आपको कर्ल्स करना है ना तो आप इसी पे डायरेक्ट लपेट सकते हैं, वो मैं अगले सेक्शन में बता दूंगा आपको, ठीक है। इनको ओपन देखो कैसे करना है, टैप 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 करके ये पूरे ओपन हो जाएंगे, ठीक है। इनको फिर हम लॉक कर देंगे सिल्वर क्लिप से, तब ये खोल लेता हूँ मैं, ये ठंडा हो गया, ठीक है। आपको खुद ही चेक करना है छूटे कि ठंडा हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये कर्ल्स लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं और ये लंबे समय तक 12 से 18 घंटे चल सकते हैं अगर इसमें पानी ना लगे, स्वेटिंग ना हो तो, ठीक है। बाकी मैं इस सेक्शन में आपको ये बता देता हूँ कि बिना उसके क्लिप के कैसे यूज़ करना है इसका, ठीक है। तो मैं बीच से सेक्शन ले रहा हूँ, इनको लॉक कर दिया, सेक्शन देख लो, डायरेक्ट इसको जिस साइड की तरफ करना है उस साइड, ऐसे लेफ्ट हैंड में आना, मतलब उस साइड करना है तो लेफ्ट हैंड में, इस साइड करना है तो राइट हैंड में करा के, या फिर आपको उल्टा भी घुमा सकते हो राइट में करा के। तो इसको ऐसे लिया और जहाँ से आपको कर्ल्स देना है उसको इसके ऊपर लपेटने में बिना ट्विस्ट किए, याद रहे यहाँ पे ट्विस्ट नहीं आना चाहिए इनके। तो इस सिंपल ऐसे रिंगनेट कर्ल्स के लिए ऐसे लपेटा जाता है और वेव देने के लिए बालों में वो ट्विस्ट कर देते हैं बीच में। तो मैं अगले सेक्शन में आपको अगले वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे इसमें वेव दिया जाता है बालों में, ठीक है। बीच वेव्स हो या हॉलीवुड वेव्स हो वो किस तरीके से कर्ल्स करते हैं उसमें, ठीक है। इनको आप नॉर्मल देख लेंगे हीट मिल गया, और इनको ओपन करके और जैसे मैंने इनको क्लिप कर रखा वैसे मैं इसको भी क्लिप कर दूंगा। होल्ड कर दिया आपने, ठीक है। अब मैं एक एक सेक्शन करके एक एक खोल रहा हूँ, ठीक है। इनको मैंने खोल दिया, बाउंसी कर्ल्स जिन्हें चाहिए होता है उनके लिए है। जैसे कोई क्लाइंट कहता है आपको ना कि मेरे कर्ल्स नहीं टिकते हैं, खुल जाते हैं जल्दी, तो उनके लिए क्लिप करके रखना। बाकी तो नॉर्मल कई को वेव चाहिए होता है तो आप ओपन भी छोड़ सकते हैं, वेव आ जाता है तो वाले। तो वीडियो में थोड़ा भी सीखने के लिए आपको अगर मिल रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना, कोई भी अगर इंक्वायरी हो आपकी या किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, और वीडियो को शेयर कर देना जिनको इनकी नीड है। बाकी मैं ये सेक्शन भी आपके लिए ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप इससे टच करते हो मुझे सही देखते रहेंगे कितना हो रहा है। बाकी इनको इनको भी मैं ऐसे लॉक करूं, ये सेम वैसे ही आया ना जैसा वो था, तो इनको भी मैं ऐसे कर लूंगा। इसमें क्या है कि आपको कर्ल्स जल्दी हो जाते हैं,
चाहे तो सेक्शन ज़्यादा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि बार बार निकालने में आपका टाइम वेस्ट होगा, क्लाइंट को जल्दी चाहिए होता है, जल्दी काम करना होगा तो जल्दी मांगते हैं। चेक कर रहे हैं, तो आपने देख लिया, ठीक है, नॉर्मल अब पता ही चल गया होगा आपको इतनी वीडियो देख के कि हाँ मतलब कैसे करना है। तो मैं इनको नॉर्मली फास्ट कर देता हूँ ताकि ये जितने भी बाल है तो ये मैं जल्दी जल्दी कर दूँ और वीडियो लंबी ना हो। वीडियो लंबी होगी तो आप भी वीडियो में बोलोगे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छी चीज़ सिखाई जाए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। सारे सेक्शन वैसे ही किए हैं, ठीक है, तो अभी जो ऊपर के क्राउन सेक्शन है ना, ये डी सेक्शन कहते हैं, क्राउन सेक्शन सारे अपने अपने अलग अलग नाम से, तो इसको अगर आपको बाउंस देना है यहाँ पर कोई पेंट कर देखिए थोड़ा बाउंस या टॉप बना दो, तो इसको नॉर्मली बैक कॉमिंग करनी है रूट्स में, तो इसको इतना बाउंस दे के, ठीक है, और इसको स्प्रे कर लेना, ठीक है, देना ताकि बैक कमिंग फिक्स हो जाए। और इसको इसके बाद जैसे हम नॉर्मली कर रहे हैं पल्स वैसे करेंगे, इससे क्या होता है कि आपके पल्स में इनहेंस होते हैं, बाउंस भी आया था बालों में। नॉर्मली वैसे ही छोड़ना और वैसे ही ब्लॉक करना, ऐसे ही आगे के सेक्शन करेंगे, ठीक है, नॉर्मल खोल दिया। आप चाहो तो एक बार में भी इसे ले सकते हैं, लेकिन पतले पतले सेक्शन से बाउंस अच्छा आएगा और बैक कॉमिंग अच्छे से होती है, तो हम इसे नॉर्मल भी छोड़ कर,
और भी दे सकते हैं। आपको एक मेन चीज मैं बताना भूल गया, ये मैं जो टोंग यूज करूँगी 25 नंबर की टोंग है, ठीक है। आप 19, 20, 21 मतलब जितना मोटा लोगे उतने तुम्हारे मोटे गर्ल्स आएंगे। जो ये मेरा आ रहा है 25 नंबर में गर्ल्स है, तो इसलिए थोड़ा सा मोटे मोटे गर्ल्स है। अगर पतला लोगे तो ज़्यादा ही लेग्स आएंगे और मोटा लोगे तो कम ही लेग्स गर्ल्स आते। नॉर्मली मैंने इसको खोल दिया, देख सकते हैं। अभी मैं इनहेंस करूँगा इन्हें सिरम लगा के, तो मैं इसलिए फुल लुक दे रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो इसको हाफ डन करके आपको कलर दिखा के वीडियो ख़त्म कर सकता था, लेकिन मैं इसमें फुल लुक इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये लुक भी आप दे सकते हैं। तो इसमें नॉर्मली फ्रंट में बाहर नहीं जानी चाहिए आपको भी, ठीक है। दो पार्टीशन में डांस कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा मोटा सेक्शन है। ये एंड आपको पकड़ के रखना है ताकि ये मतलब इधर उधर कर्ल्स जो एंड्स होते हैं वो एंड्स की वजह से ही कर्ल्स इनहेंस होते हैं और अच्छे लगते हैं। तो कर्ल्स ऐसे ही करना है, और अगर आपके एंड अगर ग्रिप में नहीं आ रहा है, पकड़ने में नहीं बन रहा है, तो आप क्लिप से भी कर सकते हैं जैसा मैंने आपको पहले सिखाया। तो मैंने नीचे की सेक्शन खोलते जा रहा हूँ और ऊपर का सेक्शन लॉक कर रहा हूँ, ठीक है। इसको भी हम सेम, ये हमने इस साइड किया है तो हम ये इस साइड करेंगे, मतलब क्लोज। इसको हम अंदर की तरफ भी क्लिप कर सकते हैं कि राइट हैंड में पकड़ के और अंदर की तरफ रोल करें, इनर को इनर रोल करेंगे ना, तो ऐसे ही करते हैं। अभी फाइनल लुक जब मैं आपको दिखाऊंगा तो दो तरीके से दिखाऊंगा, जो ऐसे भी दिखाऊंगा कि क्या लुक आ रहा है, और फिर उसके बाद में सीरम लगा के और इसको इन्हेंस करूँगा कर्ल्स को। तो अभी मैंने रैंडम कर दिया इनको, नीट बाद में करूँगा इनको, ठीक है। तो सबसे पहले हम फ्रंट से ये सेक्शन लेंगे ब्रेड बनाने के लिए, जो कि 3 प्लेट उल्टी ब्रेड फ्रेंच में बनाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मली इसको इधर ले आगे, इसको इधर, ठीक है, इसको इधर, ऐसे करके हम इसमें सेक्शन जोड़ते जाएंगे। और सेक्शन को नीट करते हुए इसमें मर्ज करना है, ठीक है। तो हमने इसमें जोड़ा, ठीक है, इसके ऊपर से। ऐसे इसमें जोड़ते रहना और पीछे की तरफ ग्रेड ले जाना है, ठीक है। इसको नीट करेंगे अच्छे से, इसमें मर्ज करके इसके ऊपर, इसमें थोड़ा थोड़ा फॉल देंगे और पुलिंग करेंगे इसमें। फिर हम इसमें ग्रिप ये नीट करना, और जो ये वाला सेक्शन इस वापस पीछे की तरफ जा रहा है उसमें ये मर्ज करेंगे। इसमें हम फेस फ्रेमिंग करेंगे इसलिए हम इसे छोड़ रहे हैं। तो इसमें फिर इसको इसके ऊपर, ठीक है, फिर वापस और फिर ये,
अब जो नॉर्मली ये हो गया है इसको मैंने ऐसे ही लॉक करके छोड़ दिया है ताकि पीछे जो हमने अभी उसमें इनहेंस करना है उसे कम करेंगे। और दूसरा ये कि अब इन बालों को नीचे से कर्व देना है ताकि ना जब ये इसमें बढ़ जाए तो अलग सा ना लगे। तो इसमें हम नॉर्मली कर्व्स करेंगे। ओपन छोड़ के अब इसमें सेक्शन क्लिप लगा देंगे ताकि एक गर्ल्स आ जाए इसमें बढ़िया। इनको नीट कर लेना और इसमें सिर्फ हम एंड में यहाँ से यहाँ तक गर्ल्स करेंगे, वो भी हल्का सा वेव आएगा ठीक है, जो कि मैं पीछे ले जाऊंगा इन बालों को। इसमें हम कुछ बार फ्रेज फ्रेमिंग के लिए भी बाहर छोड़ देंगे, यहाँ पे लटे जो जैसे लटे कहते हैं या ये सब मतलब लेयर्स कहते हैं जो कि हम लेयर्स छोड़ेंगे। तो नॉर्मली मैंने इसको कल दे दिया और फिर मैंने इसको खोल दिया ठीक है। अब ये फ्रंट में आएगा तो अब इसे भी हम इन्हेंस करेंगे। तो सबसे पहले मैं पीछे के बालों को आपके जो ये हैं उनको मैं थोड़ा सा लॉक जो करना है थोड़ा बहुत वो कर देता हूँ, उसके बाद फ्रंट के बाल पीछे लाने तो इनको मैं अच्छा सा कुछ नीट कर दिया मैंने ये ठीक है। इसको खोल के और इनको नीट कर देगा। ताकि ये बाउंस ही लगे, ये पफ ना लगे किसी को, तो हमने इसको मर्ज करके बाकी मैं सीरम लगा के इनको करूंगा इसलिए मैं स्प्रे नहीं कर रहा इसे। और ये जो मैंने फ्रंट बना रखा है इसको भी मैं नीट कर लूंगा थोड़ा सा। और ये हम ऐसा लगे कि ये बाउंस दे रखा है सिर्फ, और यहाँ लॉक कर देंगे ठीक है। तो मैं आपको लॉक करके दिखाता हूँ। और जो पिंस होगी वो हमारी दिखनी नहीं चाहिए ठीक है, ये हम अंदर से लॉक करेंगे। इसको दबा के और क्रिस क्रॉस लॉक करेंगे ठीक है। पिंस पे थोड़ा सा स्प्रे कर लेना ताकि वो इधर उधर जाए ना कहीं। ये देख सकते हैं लेयरिंग कर देंगे इसमें ताकि सुंदर लगे। अगर आपको कहीं फिक्स करना है इनको तो आप नॉर्मली जूड़ा पिन लगा सकते हैं। बचे हुए बाल थे इसके तो इसको हम कर्ल्स करके इसमें मर्ज करेंगे ताकि ये ऐसा ना लगे कि फ्रंट के बाल है या अलग से आ रखे कुछ ठीक है। तो इसमें नॉर्मली इसको लपेट दिया और ये इसको हम इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से उन्हें मर्ज कर देंगे ठीक है। अब ये दूसरी साइड से हम क्या करेंगे कि
इसमें मैं तो परेड बना रहा हूँ, बाकी आप इनको नॉर्मली लॉक भी कर सकते हैं ऐसे फ्रंट में बाल छोड़ के, लेकिन मैं इनमें थोड़ा सा एक फॉल वाला परेड बना दूँगा ताकि दोनों साइड से इक्वल लगे और अच्छा लुक आए। यहाँ भी हम वही 3 प्लेट ब्रेड बनाएंगे, यहाँ पे लेयर्स छोड़ देंगे 2-4, ठीक है, आप अपने हिसाब से छोड़ सकते हैं आपको कितनी छोड़नी, मैं तो नॉर्मली इतनी छोड़ रहा हूँ। और यहाँ पे भी 3 प्लेट्स ब्रेड बनाएंगे फॉल वाली जो पीछे जा रही होगी, और उल्टी ब्रेड, ठीक है, तो ये 3 पार्टिंग कर लेनी है। अब इनमें से सेक्शन मर्ज करते हुए ले जाएंगे, ठीक है, नीट कर लेना, नीट किया और इसमें मर्ज करके इसके ऊपर, जैसे हम सीधी चोटी बनाते हैं ये बस थोड़ी सी है उल्टी है बस, और सेम जैसे ऊपर नीचे वैसी है। नीट करते हुए जाना है, जो भी आपने काम किया वो इनहेंस हो और दिखे क्लाइंट को कि हाँ आपने ये किया, ठीक है। चाहे तो आप कॉम से भी नीट कर सकते हैं, लेकिन मैं फिंगर से कर रहा हूँ। दोनों साइड से तो यहाँ पे लॉक करना है इसे, ठीक है, ये हम अंदर ही से लॉक करेंगे ताकि जो पिन है हमारा विजिबल ना हो, ठीक है, और क्रिस क्रॉस लॉक करना है सब, जैसे एक उस साइड से करती है एक साइड से, बेस होना चाहिए जहाँ पे आपने लॉक किया पिन्स को, ताकि वो हिले ना और इधर उधर जाए ना। अब ये जो बाल यहाँ पे छोड़ रखे थे ये फ्रंट के ही बाल है इस वाले सेक्शन के, तो हम इनको कर्ल्स कर लेंगे और इसमें मर्ज कर देंगे पीछे, आप चाहो तो इन्हें आगे भी रख सकते हैं और पीछे भी रख सकते हैं, तो इनको मैं कर्ल्स कर दे रहा हूँ। कर्ल्स का पैटर्न तो समझ आ गया होगा आपको कि हाँ कर्ल्स कैसे करना है। इस साइड के बाल जितने भी होंगे लेफ्ट साइड के वो राइट साइड में जाएंगे, और राइट साइड के बाल जो होंगे वो लेफ्ट साइड में आएंगे, तो इसी टेक्निक से करना है। अगर किसी का वन साइड करते हो तो वो वन साइड जाएगा और वो अच्छा नहीं लगता है, कि इस साइड जो है तो हम दोनों को एक साथ या फिर अलग अलग भी ले सकते हैं, तो अलग अलग लेके उनकी फेस फ्रेमिंग कर देंगे। उनको हमने पल्स करके थोड़ा ठंडा होने का वेट करना है जैसा मैंने बताया था, और मैं ये बिल्कुल लूज हो जाता है कर्ल्स, ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसको कर्ल्स करना। इसको भी हम ओपन कर लेंगे और ठंडा होगा, पतला सेक्शन जल्दी ठंडा हो जाता है। तो अब बच गए सिर्फ ये फ्रंट, तो हम आप चाहे तो इसको ऐसे करके ऐसे भी दे सकते हैं, लेकिन ये अगर आप चाहें तो डायरेक्ट फॉल दे सकते हैं ऐसे, ताकि क्लाइंट का जो फेस है वो भी कवर हो जाए और ज़्यादा ब्रॉड ना लगे। सबसे पहले इसको नीट कर लेना अच्छे से, नीट करके ताकि बीच में फंसे ना बाल नहीं पर। इनको नीट करने के बाद आपको एक टिप से ये फ्रंट का जो है ये इसको उठाना है, ठीक है, आप अपने हिसाब से जितना उठाना है उतना उठा सकते हैं। तो सूखने का वेट करना है स्प्रे करने, ठीक है,
उसको हम सेक्शन क्लिप से होल्ड कर लेंगे। इसको सूखने का वेट करना, ठीक है। फिर नॉर्मल आके यहाँ कॉम करेंगे, ठीक है। और यहाँ ग्रिप टाइट रखनी है ताकि ये बाल खराब ना, ठीक है। यहाँ फॉल देते हुए इससे मर्ज करते हुए नीचे ले जाना है ताकि ऐसा ना लगे कि ये अलग सेक्शन है, ठीक है। इसे नीट करना है, इसको जुड़ा पिन से नीचे की तरफ लॉक कर देना। वेव ऐसे आना चाहिए, ठीक है। और इसको हम ये जो ब्रेड जा रही है इसके नीचे पिन करेंगे ताकि इसकी जो पिनअप हो वो दिखे ना, ठीक है, और पिन विजिबल ना। ये देखो, ये हम यहाँ पिनअप करेंगे बिल्कुल कान के पीछे, एयर के पीछे, ठीक है। अगर पिन थोड़ी बहुत दिख भी रहो तो उस पर हम सेक्शनिंग जो लेंगे वो ऊपर से मार दे जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे विजिबल करेंगे और ये अपना इसको पल्स करते हैं। मैंने इनको पहले वेव किया था सिर्फ, ये नॉर्मली काम करने में खुल जाते हैं करने के बाद। अगर वीडियो में थोड़ा भी सीखा हो तो वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इनको आगे भी ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। मैं पूरा लुक दिखा देता हूँ, फिर मैं इसमें सीरम लगा के हैंडल करूँगा इनको, ठीक है। तो आप इसको आगे ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है, और ये पूरा लुक देख सकते हैं। मैं अभी एक मिनट देखता हूँ, ब्लेड बाउंस एक ही स्टाइल में सारी चीज़ें। तो आप जब इनको ऐसे करोगे तो ये अलग ही लुक आएगा ऊपर से नीचे तक, ठीक है। और मेन में कर्ल्स सीरम करके सीरम लगा के इनको ओपन करते हैं थोड़े से। ये स्ट्रिक्स का सीरम है तो इसको ज़्यादा नहीं, अपने पाम पे दो तीन बूंद लेना है और इनको अपने रब करना है चारों तरफ, ताकि जब इनको आप ऐसे करोगे तो ये फिंगर के जब ये भी हो जाएंगे। तो इनको मैं नॉर्मली ओपन कर रहा हूँ ताकि ये रिंगलेट कर्ल्स हट जाए और मैसी लुक आ जाए थोड़ा, ठीक है। और ये आगे के भी सारे बालों को पीछे ले आएंगे, ठीक है। इससे अगर कुछ ज़्यादा खुल गया तो आप इससे दोबारा रिंग रिंग करके और आप इनको ओपन कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि बाउंस है, और आप कई क्लाइंट चाहते हैं ना कि मेरे रिंगल्स कर्ल्स अच्छे नहीं लगते मेरे पे, ये है वो, तो आप उनको कर्ल्स करके और ओपन भी कर सकते हैं, ऐसे एक एक सेक्शन खोल सकते हैं, ठीक है। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है तो इसलिए इसमें मैं ज़्यादा टाइम लगाऊंगा नहीं। आप देख सकते हैं फर्क उस कर्ल्स में और इस कर्ल्स में कितना फर्क है, ठीक है। और ये जो बाल है आगे के इनको भी हम थोड़े ओपन कर लेंगे। अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ, ये पिंस विंस निकाल के और ये करते हैं। तो ये था आज का हेयर स्टाइल, और ये देखो आप पहले पूरा लुक देख लो जो मैंने इनहेंस किया कर्ल्स को, ये सारी चीज़ें। और आप ये ऐसे बाल फ्रंट में भी रख सकते हैं और चाहो तो इनको बैक में भी रख सकते हैं, ठीक है। और ये ब्रेड देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है,
तो ऐसा कुछ लुक आएगा आपके हेयरस्टाइल का, ठीक है। अगर आप इसी को अगर प्रैक्टिस करते हैं कुछ करते हैं तो ऐसे ही लुक आएगा। अगर वीडियो में थोड़ा भी सीखा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बताओ कमेंट में कैसा लगा हेयरस्टाइल। ये ट्रेंडिंग हेयरस्टाइल है अभी जो गर्ल्स के साथ सबके साथ जा सकता है, पार्टी हेयरस्टाइल, एंगेजमेंट, सगन, हल्दी, मेहंदी। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।